हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शीन दास और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना एवरीडे मेकअप कैसे करती हूँ। ये है मेरा छोटू सा मेकअप किट, दिस इज़ माय एवरीडे मेकअप किट। मैं रोज़ बहुत ज़्यादा मेकअप तो अप्लाई नहीं करती हूँ, तो जो थोड़ा बहुत करती हूँ वो किट में मैं रख देती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ अपना बेस, जो मेरा लिक्विड बेस है, मैं मैक का लिक्विड बेस यूज़ करती हूँ। अच्छा, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं या ऐसा कुछ इशू है तो उसके लिए भी, मेरे को रोज़ डार्क सर्कल्स नहीं होते, कभी कभी अगर मैं ठीक से नहीं सोती हूँ तो हो जाते हैं, या मैंने ज़्यादा पानी नहीं पिया होता है तो हो जाते हैं, और स्ट्रेस लेवल्स पर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रोडक्ट जो मैं अपनी अंडर आइज़ के लिए यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ। चलिए, थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको आपकी स्किन टोन के हिसाब से मिल जाएगा, और वहीं पे शॉप पे ही मुझे उन लोगों ने रेकमेंड किया था। ये अंडर आइज़ की जगह ना मेरे अपर आईलिड पे यार डिस्कलरेशन है समाओ। आप इसको डैब डैब कीजिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ब्रशेस यूज़ करते हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ अपने स्पंज से। देखिए, जितना पुराना होगा ना स्पंज उतना अच्छा आपको बेस जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं मेरे फोरहेड पे भी टैनिंग है, और ये प्रोडक्ट यूज़ करके मेरे जो स्किन है वो इवन हो जाती है। ये देखिए, ये इवन हो गई है ना। कि कम प्रोडक्ट लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है खाली वहाँ वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। अब देखो पता क्या हुआ, ये भी मेरे मैक का पाउडर है, और इसका एक बार मैंने ये ड्रॉप कर दिया था तो उसका चूरमा चूरमा हो गया था, तो मैंने क्या किया, ये वाली बॉटल थी मेरे पास, इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो अगर आप किसी दिन बेस भी यूज़ नहीं कर रहे ना बहुत ज़्यादा जल्दी में, तो भी सिर्फ अगर ये यूज़ करेंगे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। कैसा आपको कवरेज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत लाइट है, पता नहीं चल रहा है। अब हम करने वाले हैं आईब्रोज। मैंने माइक्रोब्लेडिंग ऑलरेडी करवाई हुई है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किन से करवा रहे हैं और वो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोब्लेडिंग इफ़ गॉन रॉन्ग नो 2 साल तक फंस जाते हैं आप। इट इज़ बेटर कि आप किसी ट्रस्टेड जगह से करवाएं, अगर आप सोच रहे हैं माइक्रोब्लीडिंग करवाने की। तो मुझे थोड़ी सी थिक आईब्रोज पसंद है, मैं इसको ना हल्का सा बढ़ा देती हूँ। ओयो, मैं भी तो मेसी हूँ, क्या ही मैं आपको ट्यूटोरियल दूँ। हमने ये ब्रश लिया, और ये क्रीज पे मैं मेकअप अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, यही वाला कलर लेती हूँ, ये थोड़ा डार्क है बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया यार मैंने, बाप रे क्या किया। उफ, किन वाला शेड ले रही हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे पतला सा लाइनर करती हूँ मैं। जितना हम पतला लाइनर करने की कोशिश करते हैं उतना डिफिकल्ट लगता है। आई होप दूसरी आईज पे भी सेम हो जाए भाई। सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए आज हम काजल भी लगाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत टाइम से ये ग्रीन काजल नहीं लगाया है। ओके, सिर्फ बाहर बाहर से लगा के दिखा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि अगर आप बाहर बाहर से लगाओगे खाली आईज़ ज़्यादा आपको बड़ी लगेंगी। इतना ही लगाएंगे,
एक्चुअली आइज बड़ी लग रही है यार. मैं मोटा काजल लगा रही हूँ. बोल्ड स्टेटमेंट आइज. कौन सा बेटर लग रहा है आपको? ये बेटर लग रहा है कि ये बेटर लग रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है यार, सुंदर लग रहा है. हेलो, मुझे अच्छा लग रहा है. डू यू थिंक कि मुझे रेगुलर मेकअप में घर के काजल लगाना चाहिए? मुझे ये भी बताइए. लिप लाइनर से ही कभी कभी मैं लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ. मेरा बचपन का एक छोटा मार्क है, मुझे चोट लग गई थी. मस्ती वाली बच्ची थी मैं. मस्ती में बहुत चोटें लगाई है. यहाँ पे भी लगाया, फोरहेड पे भी स्ट्रेचेज है, यहाँ पे भी है. मैंने लिप लाइनर से लिपस्टिक भी लगा लिया है. अब हल्का सा ब्लश ऑन, इसी पैलेट से मैं ब्लश ऑन लेती हूँ. आई नो बहुत ज़्यादा पिंक हो गया है. थोड़ा सा पाउडर लगाओ और ब्लश ऑन को दबा दो. मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा पाउडर भी ना आप लगाएं, क्योंकि फिर केकी सा लगने लग जाता है मेकअप. देखो भाई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट मैंने ये मेकअप किया, खुद ट्राई किया. और आपको ये कैसा लग रहा है? क्या आप इसमें से कुछ सीखे या अगर नहीं सीखे और आपको कुछ सजेशन देना है मुझे, तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर इट. आपके सजेशंस सर आँखों पर. और क्या आपको लगता है कि मुझे कॉन्टोरिंग सीख लेनी चाहिए? एक्चुअली सीख ही लेना चाहिए. कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? देखो, जब आप मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप फिल्टर नहीं होता है, आपका टेक्सचर स्किन का दिखेगा उसमें. अगर आप देख सकते हैं तो मेरे आईज के नीचे भी ये जो टेक्सचर है वो भी कम्प्लीटली विजिबल है. कभी ये ज़्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है. इट्स द टेक्सचर ऑफ माई स्किन. यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन टेक्सचर के साथ, अपनी स्किन के साथ, अपने आप के साथ, आप जैसे भी दिखते हो, आप कंफर्टेबल हो. ठीक है, मेकअप है. एंड टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू, वेल डन. इफ़ विदाउट मेकअप, इफ़ यू कैन फील बेटर एंड अपलिफ्ट योर सेल्फ, नथिंग लाइक इट. सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड दैट वॉज स्क्रैपी. I will open my hair and show you how it is looking. अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. Lots of love. Don't forget to subscribe, like and share.